इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां की बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद दिल्ली में हरकतें तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ बड़े एक्शन का खाका खींचा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसी भी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर से इनकार किया है, साथ ही यह भी ऐलान किया है कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम दो कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक एक्शन शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें होम सेक्रेटरी, सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी और आईबी के अफसर मौजूद थे। इस बैठक से पहले अमित शाह ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। इस हमले में 22 जवानों की शहादत हुई, 32 से ज्यादा जवान घायल हुए, जबकि सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन का एक जवान लापता है। करीब 400 नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया और 4 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद वो भाग खड़े हुए। यह हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम इसे युद्ध करार दे रहे हैं। वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है, दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया, मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल चूक नहीं है, ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है, हम उसे घेरने निकले थे। नक्सली अब 40x40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं, उनकी बखलाहट ये है। हमले से कुछ दिन पहले नक्सलियों ने सरकार से बातचीत की पेशकश की थी और ये मांग रखी थी कि जेल में बंद उनके साथियों को रिहा किया जाए। जब सरकार ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तब नक्सलियों ने जवानों पर अटैक का प्लान बनाया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों पर हमले की पूरी प्लानिंग इलाके के सबसे खूंखार 25 लाख के इनामी नक्सल कमांडर हिडमा ने बनाई थी। हमला पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने किया था। नक्सलियों की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि नक्सलियों की जिस टुकड़ी ने जवानों पर हमला किया उसको बैकअप देने के लिए भी नक्सली टुकड़ी तैनात की गई थी। दोबारा सुरक्षा बल नक्सलियों के इलाके में पलटवार कर पाते उससे पहले ही नक्सली बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के हथियार लेकर फरार हो गए। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में नक्सलियों को भी जबरदस्त चोट पहुंची है। 7 AK-47 और 1 LMG और 2 SLR ये वेपन्स अभी हम रिकवर नहीं कर पाए थे, और जो फील्ड का आसूचना भी मिला है और आसपास क्षेत्र के जो जनता द्वारा भी जो ये खबर को पुष्टि की जा रही है, लगभग 3 या 4 ट्रैक्टर्स में जो कल घटना के पश्चात शाम होने के बाद फिर हमारा जो टीम्स जो रिट्रीट किया और उसके पश्चात उनका घायलों का और डेड जो माओवादी का डेड बॉडीज को ले जा रहा है उसका और भी तस्दीक की जा रही है, उसका नाम वगैरह भी अभी प्राप्त की जा रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।